हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, सब बढ़िया है आपके साथ में गाइस। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए एक और नया पॉजिटिव सा टॉपिक लेकर आई हूँ। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपका निकटतम भविष्य, यानी कि आपका कमिंग फ्यूचर, एकदम नियर कमिंग फ्यूचर गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये टोटली पॉजिटिव गाइडेड रीडिंग है, क्योंकि आज की रीडिंग के अंदर जो है हम ओपनली बात करने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्राइटेरियाज़ के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका निकट भविष्य यानी कि आपका नियर फ्यूचर कैसा है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल कार्ड्स एंड द पॉजिटिव इवेंट्स। और जो है रीडिंग के दौरान चार्म्स भी चेक करेंगे, ठीक है, चार्म्स भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पायल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पायल सिलेक्शन का सीन सिंपल सा है कि आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है। दिस इज सो सिंपल आई गेस। तो आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, दैट्स इट। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है ABCDIJKLQRSTY तो पायल नंबर 1 को पिक करें। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है EFGHMNOPUVWXNZ तो पायल नंबर 2 को पिक करें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी का जो है मैंने आप लोगों को अता पता सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फर्जी लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा कंटेंट कॉपी किया और वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं लोग, और इंस्टाग्राम उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इट्स क्वाइट सैड थिंग, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, सबके कर्म सबके साथ। तो वो वाली बात को ध्यान रखें एंड एहतियात के साथ इंस्टाग्राम पे जो है आप मुझे फॉलो करें। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और नहीं, ऐसा नहीं, अच्छे से देखना है, समझना है फिर ही, क्योंकि स्कैम बहुत हो रहे हैं। आई डोंट वांट कि मेरे नाम पे किसी के साथ स्कैम हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आज आप लोगों को लगे कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी डल है या मैं थकी सी हूँ, तो मैं बता दूँ कि हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। अभी काफ़ी बेहतर है, बट कल बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कल पूरी रात और आज अर्ली मॉर्निंग तक। मैं हमेशा आप लोगों के लिए जो वीडियो रीडिंग्स करती हूँ वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, बट मैं आज आप लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाई हूँ, शाम को कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी, शायद डिहाइड्रेशन और धूप लगने की वजह से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो अगर वो एक्साइटमेंट या वो हैप्पीनेस फील ना हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहूँगी, लेकिन हाँ, मैं एकदम प्रॉपर एनर्जेटिक अलाइनमेंट में हूँ अभी, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। तो आप लोगों ने पिक किया पाइल नंबर 1 को, इसका मतलब आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है ABCDIJKLQRSTY। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स, बिकॉज रीडिंग का इंट्रो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आप लोगों को। मैंने बता ही दिया है कि आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो सिंपली है भाई आपका निकटतम भविष्य यानी कि आपका कमिंग फ्यूचर। और अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर ABCDIJKLQRSTY है तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। सो मैंने आप लोगों के लिए ब्लैक कलर का ये बहुत ही खूबसूरत सा डेक पिक किया। पता नहीं क्यों इसी की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आई, तो मैंने सोचा कि टैरो के जो डेक हैं इन्हें डेक बोलते हैं, ठीक है। जो टैरो कार्ड्स का पूरा बंडल होता है, ग्रुप ऑफ टैरो कार्ड्स सेज टू बी डेक। तो ये जो डेक था मैंने आप लोगों के लिए ब्लैक कलर का पिक किया। आई डोंट नो व्हाई, बाकी देखते हैं। चलो, मैंने सोचा था कि दोनों पाइल्स के लिए डिफरेंट डेक्स को पिक करूँगी। आइए देखते हैं। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 के लिए मुझे प्लीज़ पॉजिटिवली गाइड कीजिएगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। कल तो बहुत ख़राब थी, अभी काफ़ी बेहतर है। तो आई जस्ट वॉन्ट दैट ऑल माई पॉजिटिव पर्सनल एंजल्स, आर्कएंजल्स The Masters, Ascended Positive Energies, Parampitaji, My Animal Spirit, प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 1. 3 of Cups, the Justice, the Knight of Cups, the 4 of Cups, the Hierophant और है 5 of Swords. क्या बात है जी, क्या बात है. बॉटम ऑफ द डेक स्टार का विकार है. हाँ ओके. सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने निकाले आप लोगों के लिए. आइए थोड़े से कार्ड्स और निकालूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक इन अ क्लियर वे. हाई प्रेस्टिस, द जस्टिस. क्या बात है भाई, दो बार जस्टिस. एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ एम्प्रेस. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है. एम्प्रेस, हाई प्रेस्टिस, जस्टिस. सेवेंथ चक्र, कार्ड नंबर 41 एंड वन मोर कार्ड. कार्ड नंबर 11, द कॉर्नुकोपिया. पाइल नंबर 1 वालों की ना लॉटरी खुलने वाली है. बॉटम ऑफ द डेक, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन. सबसे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों की एनर्जीज बता देना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 को जिन्होंने भी पिक किया है. गाइस, आप लोगों का जो भी ध्यान है वो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर ज़्यादा चल रहा है. मेटरलिस्टिक चीज़ें, मेटरलिस्टिक सोच, मेटरलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान है. आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं या फिर टॉरस हो सकते हैं, लीब्रास हो सकते हैं. ठीक है, लीब्रा, टॉरस और जेमिनाई की एनर्जी बहुत है. वैसे तो सारे के सारे ज़ोडियक्स की एनर्जी यहाँ पर, बट इन एनर्जीज़ को मैं ज़्यादा यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, अब अगर किसी का ज़ोडियक यहाँ पे मैच नहीं करता है तो वो ये ना सोचे कि उसकी ये रीडिंग नहीं है. द थिंग इज़ कि आप लोगों की एनर्जी अभी इन ज़ोडियक्स के अंदर चल रही है. यानी कि आप एक जस्टिस पर्सन, जस्टिफाइड पॉजिटिव पोटेंशियल रखने वाले इंसान हैं, या फिर आप अपने जीवन में किसी प्रकार का जस्टिस चाहते हैं किसी भी तरीके का. हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं बट आपको उतना रिटर्न बैक नहीं हो रहा है, दैट्स वाई यू वांट जस्टिस. और एल्स हो सकता है कि आपके साथ लोगों ने बहुत गलत गलत चीज़ें क्रिएट करी हैं तो आपके दिमाग में है दैट आई ऑल्सो वांट जस्टिस इन दिस एनर्जी. ठीक है, तो सम हाउ यू वांट क्लियर जस्टिस. आप लोग प्रिपेयर हैं अपनी लाइफ को एक नए लेवल पे शुरू करने के लिए. एंड द मोस्ट ऑफ द थिंग आई एम सीइंग हियर फॉर द पाइल नंबर 1 कि आप लोग जो है अभी हाल फिलहाल एक इस प्रकार के एक पुल के अंदर है, इस प्रकार की एनर्जी के अंदर है कि आप अपने जीवन में मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. घर, गाड़ी, मकान, दुकान, ठीक है, इन सब चीज़ों की तरफ. अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ योर नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर का मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले मैं कुछ नेगेटिव चीज़ें बता दूँ ताकि पॉजिटिविटी की तरफ जा सकें. 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर जो कि मुझे दिखा रहा है. यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स है. और आप देख सकते हैं कि ये नज़रें ना ऐसे सामने की तरफ नहीं मिला रहे हैं, इसने नज़रें नीचे कर रखी हैं, इसने साइड में कर रखे हैं. इसका मतलब ये है कि अभी ना कुछ समय में, यानी आपके कमिंग नियर फ्यूचर में ना आपके पास में कोई ऐसे इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट ना हो बट आपको कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है. मन मार के कुछ चीज़ें जो है आपको करनी पड़ रही हैं या एक्सेप्ट करना पड़ रहा है या कोई भी चीज़. ठीक है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपका मन नहीं है बट स्टिल आपको करना पड़ रहा है, ये सोच करके कि यार कोई और चारा नहीं है. ठीक है, कोई चारा नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा. वो वाली बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे मन मार के कोई चीज़ करनी पड़ती है ना, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ. मैं इस मन मार के करने की चीज़ के लिए ना थोड़े से कार्ड्स और निकालती हूँ आप लोगों के लिए कि भाई ऐसा क्या मन मार के करने की एनर्जी हो रही है. ओके जी, ओके. बहुत बार ऐसा होता है ना, बिल्कुल. बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट. बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारा काम करने का मन नहीं करता. अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, एनी काइंड ऑफ, एनी सॉर्ट ऑफ वर्क यू आर डूइंग, या मैं कहूँ क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आप जो भी रोज़मर्रा का डेली जो भी आप काम करते हैं ना, आप इस शेड्यूल से बहुत ऊब जाएंगे. ठीक है, वही सुबह उठना, वही सारे काम करना, वही सब कर कर आके जिक जिक बाजी रात को सो जाना, फिर उठना, फिर करना, फिर सो जाना, फिर उठना, फिर करना, फिर सो जाना, अ काइंड ऑफ अ लूप. ठीक है, एक तरीके का ऐसा लूप आपको महसूस होगा अभी आने वाले टाइम में कि आपको लगेगा क्या बकवास चल रहा है ये सब, आई डोंट वॉन्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, मेरे को नहीं करने का मन है ये सब चीज़ें, बट करना पड़ रहा है, क्या करें, पापी पेट का सवाल है. वही चीज़ मैं देख रही हूँ विद एट ऑफ पेंटिकल्स, पापी भाई पेट का सवाल है, करना तो पड़ेगा ही. और जो भी हाउस वाइफ्स यहाँ पर हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ के करेंगे क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. अब भाई जिम्मेदारी से आप कैसे पीछे हट सकते हो ना, अगर कोई काम अपने हाथ में लिया है तो उस काम को तो करना ही पड़ेगा. So this is what I'm getting. Page of Swords, the Four of Cups, the Five of Swords, Eight of Pentacles. So this is going to be happen in your near future. अब मैं क्या देख रही हूँ, अब मैं आपको और आगे बात बताती हूँ, थोड़ा सा एक स्टोरी फॉर्म में बताने की कोशिश करती हूँ so that you guys will feel a positive connection with the reading. Okay? जैसे कि कमिंग नियर फ्यूचर में आप अपने रोज़मर्रा के कामों को कर रहे हैं, पिस रहे हैं, वही 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 सेम सेम रूटीन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या करें, कोई और चारा नहीं है, कर रहे हैं. अचानक से एक दिन आपके पास में एक ऑप्शन आता है, नाइट ऑफ कप्स. ठीक है, ये ऑप्शन लव में भी हो सकता है, ये ऑप्शन आपके करियर में भी हो सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन आपके पास में आता है और अब आप उसको देख करके ना थोड़े से हो जाते हो कंफ्यूज, क्योंकि हम इस कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो बार जस्टिस भी आया है. आप हो गए अचानक से कंफ्यूज, ए ले अब क्या करना चाहिए, इस बंदे के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँ, ये सही है, नहीं यार शक्ल से तो ऐसा दिख रहा है जस्ट किडिंग, है ना, या फिर नहीं यार अभी तो ये चीज़ ऐसे नहीं है, या फिर यार ये अपॉर्चुनिटी है, इस ऑप्शन को पिक करो नहीं करो, कुछ भी हो सकता है करियर रिलेटेड. ठीक है, यार इस चीज़ को पिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए बढ़ना चाहिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए. कल को ऐसा ना हो कि एक कहावत होती है चले चौबे जी बनने दुब्बे जी के लाले पड़ गए, ऐसी वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए. ठीक है, तो यू गाइस विल फील सम सॉर्ट ऑफ ओ नहीं करना है. ठीक है, बट धीरे धीरे आप चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को समझते समझते आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और ये चीज़ आपके जीवन में आपको जस्टिस देगी. अगर आपकी लाइफ में लव रिलेटेड कोई इश्यू चल रहा है, मैं बहुत ही देखो क्रिस्प तरीके से बता रही हूँ बिना कहीं भी घुमाए फिराए, सिंपल सी बात है. अगर आपकी लव लाइफ में कोई इशू चल रहा है या कोई क्लैरिटी नहीं है या यू वांट समथिंग न्यू टू बी डन इन योर लव लाइफ, कि आप अपने लव लाइफ के सेम पैटर्न से थक गए हैं, कुछ नया चाहते हैं, न्यूनेस चाहते हैं, आई एम सीइंग अ लव प्रपोजल इज़ कमिंग. अब ये लव प्रपोजल आपके करंट पर्सन से भी हो सकता है, पास्ट पर्सन से भी हो सकता है और किसी नए का भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ होने वाली है. ठीक है, सो प्रपोजल इज़ कमिंग फॉर यू और ये प्रपोजल आपको आपके जीवन में जस्टिस देगा. हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ लव लाइफ में एक अच्छी एनर्जी नहीं हुई और आप उस चीज़ का एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज यू डिज़र्व लव. ठीक है, आप डिज़र्व करते हैं प्यार, आप डिज़र्व करते हैं लव, तो वो वाली बात है. अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि लव का कोई मसला नहीं है, लव में आप एकदम सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, जो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये लव से रिलेटेड नहीं होगी. ये रिलेटेड होगी कहाँ से, ये रिलेटेड होगी आपके करियर से. ठीक है, करियर से, वो भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन पैदा करेगी. आप अपने दोस्तों को ट्रीट पर लेके जाओगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाओगे. हो सकता है अगर आपकी एज ऐसी है और आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आपका वो क्लियर हो जाए, कोई चरण आप पास कर लें, किसी लेवल से आगे चले जाएँ, या फिर किसी चीज़ के अंदर काम कर रहे थे फाइनली वो हो गया, या किसी चीज़ के अंदर ऐसे काम कर रहे थे कि बार बार असफलता मिल रही थी, फाइनली आपको संतुष्टि मिल गई. सो जस्टिस इज़ कमिंग बेसिकली. ठीक है, जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में और इस जस्टिस के आने के बाद मुझे अच्छी एनर्जी फील हो रही है बहुत. ऑल्दो मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है बट स्टिल मैं सच्ची बताऊँ, मेरे ये मतलब कार्ड्स देख के ना पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, सच्ची बता रही हूँ अंतर मन से. आई हैव कार्ड्स राइट नाउ इन माई हैंड्स, तो झूठ नहीं बोलूँगी, सच में मुझे बहुत बेहतरीन फील हो रहा है कि हाई प्रेस्टिज का कार्ड है. अब किसी इंसान को जस्टिस मिल जाता है, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं और उसके अंदर न्याय मिल जाए, भगवान की तरफ से इंसाफ हो जाए, तो हम कैसा फील करेंगे, हाई प्रेस्टिक. ठीक है, वाओ, ऐसे मतलब सीना तान के ऐसे सर एकदम उठा के और चल रहे हैं, खुश हैं, एकदम शांति। कुल मिला के जस्टिस इज कमिंग, और इस जस्टिस की वजह से आपका सेवन्थ चक्र, अब मैं नहीं बताऊंगी कौन सा होता है सेवन्थ चक्र, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। मैं हमेशा आप लोगों से जो है चक्रास के बारे में बात करती रहती हूँ, बट आप लोग मुझे बताते नहीं हैं, तो चलो जल्दी से बताओ आपका जो सेवन्थ चक्र होता है वो कौन सा होता है। हिंट मैं दूंगी कि ये चक्र आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, और इसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। पर्पल भी होता है, यानी एक चीज़ और, पर्पल भी होता है और कुछ लोगों का गोल्डन भी होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, जस्टिस मिल रहा है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड 11 नंबर 11 डिवाइन का नंबर होता है, और 11 नंबर हमें शो करता है किस चीज़ की एनर्जी, भगवान से जुड़े रहने की एनर्जी। आपको पता है एक कहावत होती है, संतोषी सदा सुखी रहे। आज हमारे पास जो कुछ भी, अगर हम उससे संतुष्ट है ना, हम उसके अंदर कमियां नहीं निकाल रहे हैं। प्रभु जी ने हमें 5% कुछ दिया और हम सोच रहे हैं यार ये 5 क्यों है, ये काश 10 होता, 20 होता। नहीं, गलत कर रहे हो। हम उस 5 को ना ऐसे ना सोच करके अरे यार 5, ये हम ये सोचे कि बढ़िया हमारे पास 5 तो है, कम से कम 3 और 2 या 1 ही होता तो कहाँ जाते भाई, अभी कम से कम काम तो चल रहा है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो ये कॉर्नोकोपिया वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कार्ड आया। हो सकता है आप लोग इस प्रकार की एनर्जी में रहते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, ये क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। इस एनर्जी से बाहर आइए, बिकॉज कॉर्नोकोपिया इज देयर, दैट मीन्स गुड डेज आर कमिंग फॉर यू। एंड कहाँ गए भाई एडवाइस कार्ड्स, ये रहे। एडवाइस से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चार्म चेक करूँगी। सो चार्म्स में हमारे पास है द ब्यूटिफुल कैट, जो कि बताती है अबेंडेंस को, अ साइन ऑफ हीलिंग, म्यूजिक, अगेन जड़ से जुड़ी हुई विजडम, जड़ से जुड़ा हुआ प्यार, जड़ से जुड़ी हुई ग्रोथ। मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है ठीक से, नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाथी आया है यहाँ पर, जड़ से जुड़ा हुआ। और बता दूँ एक और चाव बता देती हूँ जी, देखो लव का सिंबल है यहाँ पर, लव मैंने सीधा रखा है, नहीं रखा है, हाँ ये अभी ठीक है, ठीक है। तो लव, सो ऑब्वियसली बात है, माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर गेटिंग जस्टिस। जिस भी चीज़ में आपको ऐसा लगता है ना कि भगवान ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, उस चीज़ में ही जस्टिस इज कमिंग। अच्छा, अब देख लेते हैं, अब ये निकटतम भविष्य देखो, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या बता दूँ, बता देना चाहिए ना, चलो बता देते हैं टाइम कब होगा। एडवाइस है यहाँ पर। अब मैंने एक यहाँ पे डायलॉग मारा था, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, एकदम सीना तान के, सर एकदम ऊपर करके, गर्व से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है चीज़ों को आराम से लीजिएगा, ठीक है, पूरे एतमाद के साथ लीजिएगा, शांत रहिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। जो इंसान ग्राउंडेड रहता है वो इंसान अपने जीवन में मिरेकल्स को एक्सपेक्ट करता है। ये रियलिटी है, सच में रियलिटी है। आई फील दिस एनर्जी, मैंने बहुत अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को महसूस किया है। अगर आपको अपने अंदर होने वाली खूबियों को लेकर के बहुत उत्साह नहीं है, शो ऑफ करने की एनर्जी नहीं है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ओह मेरे अंदर तो इतनी नॉलेज है, आई एम सो ब्यूटीफुल, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ, या अरे मुझे तो इतना सब कुछ पता, अरे मैं तो इतना कमा रहा हूँ, अगर इस प्रकार की एनर्जी लेकर के आप बैठे रहते हैं तो आपके जीवन में आने वाली लक्ष्मी भी चली जाती है, आने वाला सौभाग्य भी रूठ जाता है। क्योंकि घमंड तो फिर मैं कहावत नहीं बोलना चाहती हूँ, एक कहावत है जयपुर में कि घमंड तो जी रावण का भी नहीं चला, है ना। तो हम तो तुच्छ लोग हैं, आपको पता है ना कि जो रावण जी थे वो कितने प्रखंड पंडित थे, तो घमंड तो उनका भी नहीं चला, तो हमारा तो क्या ही चलेगा, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंटली लें। आपको पता है सारे हमारे सवालों के जवाब हमारे अंतर मन में होते हैं, लेकिन हम कभी उनको ढूंढ नहीं पाते। वाह, यहाँ पर सन का कार्ड है, और मैं एक कार्ड और निकालूंगी आप लोगों के लिए। मैं टाइमिंग चेक कर रही हूँ, भाई इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, सच्ची बताओ इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। कमिंग 9 वीक्स, ये कार्ड यहाँ पर पता है क्यों आया है, क्योंकि ये कार्ड आपको बताना चाहता है ये दिन जा रहे हैं, ये दिन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और कमिंग 9 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों की लाइफ में ये एनर्जेटिक पुल बन रहा है, और इसकी वजह से बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक थे तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कंग्रेचुलेशन फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉजिटिव हैप्पी प्रेडिक्शंस। आप लोगों के प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी आई है, लेकिन जो चीज़ों के अंदर मैंने आप लोगों को बोला एहतियात बरतें वो ज़रूर करना, वरना देखो कोई चीज़ आ रही है वो बीच में रुक जाएगी या फिर आ जाएगी और फिर चली जाएगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो अपनी हैप्पी एनर्जीज को रखें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं पूरी आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो। और आई जस्ट लव टू रीड ऑल योर पॉजिटिव कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अपना प्यार मुझे कमेंट के द्वारा देना ना भूलें। चलिए जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हो आप सभी लोग मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत से चांद के टुकड़ों। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपका निकटतम भविष्य, यानी कि आपका कमिंग नियर फ्यूचर। और अगर मैं रीडिंग करते करते बीच में रुक जाऊँ थोड़ा सा या फिर आपको पीछे से आवाज़ आ जाए तो उसके लिए पहले मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं आज जो है हमेशा वीडियो शूट करती हूँ आप लोगों के लिए, अर्ली मॉर्निंग की रीडिंग्स करती हूँ मैं, वीडियो रीडिंग्स, बट आज मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है ख़राब थी तो मैं शाम में कर रही हूँ। तो एज़ यूजुअली सब लोग जागे हुए होते हैं तो आवाज़ हो रखी होती है। तो अगर आप लोगों की नाम के पहले अक्षर इनमें से कोई एक है, यानी कि EFGHMNOPUVWXNZ, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो इसको मैंने रख दिया यहाँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ये पर्पल वाला जो है डेक इस्तेमाल में लिया है, कर रही हूँ अभी। डेक का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ टैरो कार्ड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ कार्ड्स को हम लोग डेक कहते हैं। तो पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए मैंने ये पर्पल वाला लिया, इट वॉज एक्चुअली फैसिनेटिंग मी अ लॉट, तो मैंने ले लिया। चलिए देखते हैं। हे डिवाइन स्पिरिट्स, बोला नहीं उससे पहले, देख रहे हो कार्ड्स की कैसे बारिश हो रही, क्योंकि परमात्मा को पता है कि भाई बेचारी इसकी तबीयत ख़राब है तो इसको छोड़ो, हम ही सारे कार्ड्स निकाल के छुट्टी करते हैं। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, मेरे पर्सनल एंजल्स, मेरे आर्क एंजल्स, मेरे प्यारे परम पिताजी, डिवाइन स्पिरिट बीइंग्स, माय मास्टर्स, यूनिवर्स, पॉजिटिव अलाइनमेंट विद द अदर्स एंड एनिमल स्पिरिट में मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए, कि उनके जीवन में निकटतम भविष्य क्या होने वाला है। EFGHMNOPUVWXNZ, ये इनके नाम के पहले अक्षर हैं। ओके शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है रिवर्सल्स ले लेने चाहिए, बिल्कुल लेंगे रिवर्स, जो भी रिवर्स में आएगा लेंगे अपन। फिर है यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, और लवर्स का भी कार्ड है भाई साहब, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपकी ऊर्जा है, अभी प्रेजेंट ऊर्जा। तो बताऊँ कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। कुछ कार्ड्स यहाँ से भी ले लेते हैं, एनर्जीज तो पता लग जाए। दी थर्ड चक्र, थर्ड चक्र कौन सा होता है मेरे को बताओगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, बॉटम ऑफ द डेक अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, क्या हुआ है भाई, क्यों इतनी दिक्कतें हैं जीवन में। बॉटम ऑफ द डेक जो होता है, कार्ड शफल करने के बाद जो बॉटम में कार्ड्स आते हैं वो आपकी करंट एनर्जी होती है, ठीक है, आपकी रीडिंग का सार या करंट एनर्जी। सार नहीं कहेंगे उसे, द सन हम उसे कहेंगे, कि एक प्रकार की प्रेजेंट एनर्जी ऑफ दैट पर्सन जिसके लिए हम निकाल रहे हैं कार्ड्स। द हर्मिट, और एक कार्ड और देख लेते हैं, द दो कार्ड आए, चलो दिस कार्ड डोंट वांट्स टू कम, ठीक है। एक कार्ड मैं एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ क्योंकि अगर जस्टिस का कार्ड आना होगा तो आ जाएगा। कहते तो रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट, डिवाइन नोज वही बेचारी की तबीयत खराब है, हम ही कर लें, ये कार्ड आना ही था इसका मतलब, इसीलिए मैंने उसको अंदर डाल के और वापस से जो है शफल कर लिया। मैंने सोचा आना है तो डेफिनेटली आएगा। और फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि आते हैं और बोलते हैं कि तारो क्या आप तो खुद अपने हिसाब से कार्ड निकाल रहे हो, कौन एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं आकर के, एंजल्स इतने फ्री है क्या। एक किसी ने मुझसे कही थी ये बात और उन्हीं के सामने जो मैंने आंसर दिया वही कार्ड निकला एग्जैक्टली और वो शॉक्ड हो गए थे। इट वॉज़ अ वीसी सेशन आई गेस, हाँ एक वीडियो कॉलिंग सेशन था और ये बात होगी 1-1.5 महीने पहले की ही, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। पीपल गॉट अमेज्ड बाय दीज एनर्जीज, क्योंकि जब कोई चैलेंज करता है ना तो डिवाइन जस्ट लव टू यू नो कंप्लीट दोज चैलेंजेस, क्योंकि है ही ना, देखो कोई किसी को आप चैलेंज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है बदले में तो आपको मिलेगा ही कुछ ना कुछ, प्रसाद तो मिलता है सबको। ओके, तो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, मैंने निकाल दिए हैं। आज हम देख रहे हैं आपका कमिंग नियर फ्यूचर, कमिंग नियर फ्यूचर की एनर्जीज। यहाँ पर मैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को देख रही हूँ। स्पेशली यहाँ पर जो कार्ड्स ज़ोडिएक्स अवेलेबल हैं वो है जेमिनाई एंड एरीज, जेमिनाई, एरीज, लिब्रा, लियो, कैंसर, द वर्गोस, ठीक है। ये जोडियक्स यहाँ पर ज़्यादा है। और अगर अभी किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा तो जोडियक है ही नहीं, यानी मेरी तो राशि है ही नहीं, यहाँ पे ना मिथुन है ना, ना यहाँ पर भाई कोई कन्या राशि है, ना यहाँ पर कर्क राशि है, मेरी तो कोई राशि नहीं है, तो मैं बता दूं कि आप लोगों की राशि जो है, आप लोगों की जो एनर्जी है अभी इन राशियों में चल रही है, इस वजह से ये कार्ड्स आए, ठीक है। ओके, सो लेट मी हैव अ लुक ऑन द कार्ड्स। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले बता देना चाहती हूँ कि आपके अभी बहरहाल जीवन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ के अंदर अभी क्या चल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था यहाँ पर, अगर आप लोगों को याद हो, बॉटम ऑफ द डेक, और यहाँ पर आया था स्टॉर्म वार्निंग। तो ये दो कार्ड आ जाने के बाद मैं यहाँ से तो क्या ही देखूँ, सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये छोटी बच्ची है और यहाँ पे पानी का वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, पानी देने का कुछ रखा हुआ है, बर्तन एंड ऑल, और ये ना बहुत छोटी है, इसको ये काम करने का मन नहीं है, इसका मन है खेलने कूदने का, कुछ अच्छा करने का। तो हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पर कोई काम है जो आपका करने का मन नहीं है बट आपको करना पड़ रहा है, और कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको उठानी पड़ रही हैं बहुत ही कम उम्र में या कम अनुभव में, और आप बहुत परेशान हैं कि आगे क्या होगा को लेकर के। लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग चल रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, कुछ पिलर्स हैं आपकी लाइफ के अंदर जो ढह रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि आपने उनसे मदद मांग ली या फिर आपने उनसे कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा ही कर लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा रीडिंग को लंबा नहीं करना है इन एनी हाउ, ठीक है। इतना ही गाइडेड है तो मैंने इतना बता दिया। नाउ लेट मी टेल यू आप लोगों के निकटतम भविष्य में क्या मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ में अभी एक ऐसा मोमेंटम आने वाला है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें हैं तो दोनों ही बताऊँगी। आपकी लाइफ में ना पाइल नंबर 2 पीपल, ऐसा कोई अभी केस, ऐसा कोई फेज़ या कोई ऐसा मोमेंटम आने वाला है जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। इंसान है ना, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो बनते हैं, काफ़ी टाइम चलते हैं और फिर टूट जाते हैं, शादी तक नहीं पहुँचते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट बहुत करते हैं लेकिन वो इतनी नहीं चलती हैं और वो बीच में खंडित हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। हम सोचना शुरू कर देते हैं वाई दिस ऑल हैपनिंग विद मी, क्यों नहीं हो पाया, जब इतना हुआ तो क्यों नहीं, मतलब लास्ट लॉन्ग क्यों नहीं हो पाई चीज़ें। उसका सिंपल सा जवाब है यहाँ पर, जो आपके कार्ड्स में भी आया है यहाँ पर भी है। आपको पता है पाइल नंबर 2 पीपल, कोई रिश्ता अगर आपका टूटता है या कोई चीज़ जिससे आपने बहुत एक्सपेक्ट किया वो उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलती है, इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ का हश्र तो यही होना था बट वो चीज़ हमारे जीवन में हुई क्योंकि हम उससे सीख सकें। तो अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको फील करके आपको ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं हुई उस तरीके से जैसे मैं चाहती हूँ, या ये उस लेवल पे नहीं पहुँचा या उस तरीके से नहीं हुआ तो आपने क्या करना है ना, उस चीज़ की एक लिस्ट बना लेनी है और उसको लेकर के आपने इनसिक्योर नहीं होना है। वी हैव अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। आपने उस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा भावुक नहीं होना है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि आपने उस सिचुएशन, उस रिश्ते या उस चीज़ से क्या सीखा। ठीक है, क्योंकि सीखा है आपने। अगर कोई चीज़ लंबी चली और बीच में टूट गई, एकदम फॉरएवर वाली नहीं रही, इसका मतलब उसका समय इतना ही था और वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके निकटतम भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि लंबी चलेंगी। चाहे कोई रिश्ता हो, कोई चीज़ हो, लंबा चलेगा। आपके मन में ये एक्सपेक्टेशन थी बट वो बीच में टूट जाएगी और आप जो है इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाउ टू डील विद दिस एनर्जी, क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। और इस एनर्जी से ना आप अचानक से एकदम रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, रिवर्स कि बाहर में जाना तो ना, जो हो रहा है होने दो। कुछ चीज़ों को लेकर के आपको रात में हो सकता है नींद ना आए, आप थोड़ा सा अजीब सा महसूस करो, बट मैं देख रही हूँ कि इन सब चीज़ों से आप जैसे ही बाहर जाओगे, आई एम सीइंग अ पैशनेट चेंजेस कमिंग फॉर यू। अब मैं थोड़ा सा कहानी में बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। आपका कोई रिश्ता या आपकी कोई एक्सपेक्टेड चीज़ न होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट और परेशान महसूस होगा। और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर, कुल मिला के अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की कोशिश करोगे। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट नहीं है, मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर किया है कि जब हमारे जीवन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, खुद पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज करने लग गए, मेडिटेट करने लग गए, या फिर अपना जो हॉबी हमें पसंद है, जो करना हमें पसंद है, वो करने लग गए। आपको पता है जो चीज़ हमें छोड़ के गई है ना, वो चीज़ या तो घूम फिर के सही होकर हमारी लाइफ में आ जाएगी। इफ़ दे एक्चुअली और दैट थिंग इज़ एक्चुअली डिजर्विंग यू, द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ओके। अदरवाइज़ उससे कहीं गुना ज़्यादा बहुमूल्य कुछ बहुत पॉजिटिव आपके जीवन में आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि यहाँ से कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान होने के बाद आप जो है, आप लोगों का जो ध्यान है वो अपने ऊपर जाएगा, जो आप काफ़ी टाइम से अपने ऊपर नहीं रख रहे थे। क्योंकि याद है ना, आप लोगों को मैंने बताया कि आप तो भाई जिम्मेदारियों में बिजी हैं, आप तो अपने आप को भूल गए हैं। अब जब आप अपनी इन सब चीज़ों को साइड करेंगे और खुद पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करना है, फेस पे ये फेस मास्क लगाना है, मतलब अचानक से आपके मन में ना बैठे बिठाए चिल आ जाएगी। ठीक है, चिल आ जाएगी कुछ कर दिखाने की, अरे नहीं ऐसे कैसे, छोड़ो, जिम जाना है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, ये वर्कआउट करना है, या फिर ऐसे कपड़े पहनने हैं, अपना वार्डरोब ठीक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ किसी प्रकार की म्यूज़िक और पेंटिंग्स, मतलब कुछ आर्टिस्टिक। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। कुछ आर्टिस्टिक अचानक से आप करने लगे और आपके दिमाग में आया भाड़ में जाए सब कुछ, चंदन और क्या बोलते हैं उसे, मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा रहे हैं, कुछ दही हल्दी लगा रहे हैं, कुछ ऐसा लगा के अपने आप को चमकाने और पॉलिश करने की एनर्जी में आ जाएंगे। एंड सच्ची बताऊं, आप लोगों के अंदर सेल्फ लव इतना बढ़ जाएगा कि आपको जो ये रातों को नींद नहीं आ रही थी ना किसी चीज़ का बर्डन ले लेके, वो बर्डन खत्म हो जाएगा। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि 50 अबोव हैं और वो ये कहें कि अब तो इतनी उम्र हो गई, अब क्या चंदन, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी और बेसन वगैरह लगाएं हम लोग। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी उम्र चाहे जो मर्ज़ी हो गई है, अगर आप अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर, अपने ऊपर बाहर से और उसको अंदरूनी, स्पेशली अंदरूनी तरीके से अगर उसको स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन में अपने साथ जस्टिस नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ओनली योर बॉडी बट अ काइंड ऑफ टेम्पल जिसके अंदर आपका जो आत्मा स्वरूपी, आपके परमात्मा, आपके ईष्ट बैठे हुए हैं, आप उनका अनादर कर रहे हो। सोच के देखो, आपके परमात्मा जिनमें भी आपकी श्रद्धा है वो ना किसी टेम्पल में है और आप डेली वहाँ पे ना झाड़ू पोछा लगाते हो और फिर आप अचानक से लगाना बंद कर दोगे तो क्या होगा, कितना बुरा लगेगा ना, आपके अंतर मन को भी बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसा नहीं है, अपनी बॉडी पे ध्यान दें चाहे जो मर्जी आपकी एज है। जब आप ऐसे अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो आई एम सीइंग जो भी आपका गुमा है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन आपके जीवन में आएगा, वो भी बहुत स्टेबिलिटी के साथ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे जीवन में आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं फिर चली जाती हैं। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो आपके जीवन में अब आएगा, अगर आपको लव लाइफ में असंतुष्टि है तो लव लाइफ में चाहे जो मर्जी एज है, अगेन मैं यहाँ पर एक तरीके से डिस्क्लेमर की तरह बोल रही हूँ, चाहे आप जिस भी दुनिया के कोने में बैठे हो, जो भी आपकी एज है, जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, अगर लव में पर्सनल लाइफ में कोई मसले हैं वो ठीक हो जाएंगे, उसमें कुछ नया और बहुमूल्य आपके जीवन में ऐड ऑन होगा। या फिर अगर आप अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कहीं भी थोड़ा सा ऐसा उबाऊ और नेगेटिव सा फील करते हो कि मेरे को जस्टिस नहीं मिला परमात्मा की तरफ से या मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो वो आपको मिलेगा। तो कुल मिला के मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अभी खाने वाले हैं निकटतम भविष्य में मून का कार्ड ठोकर। ठोकर खाने के बाद ही इंसान जो है ठाकुर बनता है। ठोकर ठाकुर राइम कर रहा है तो जो है ठोकर खाने के बाद ही इंसान जो है कुछ बड़ा क्रिएट करता है। बिकॉज एक्सपीरियंस, एज आपकी क्या है इट डजेंट मैटर, वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव इट एक्चुअली मेक्स यू अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अभी आने वाले समय में निकटतम भविष्य में आप ठोकर खाने वाले हैं। उस ठोकर से भाई आप जो है मिट्टी के माधो नहीं बनेंगे, आप ठाकुर बनेंगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ हर्मिट। अपने अंतर्मन में झांकेंगे और जब आप अपने अंतर्मन में झांकेंगे तो आप अपने आप से मिलेंगे। आप यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर पर्सन जो लड़के हैं, लड़की का पॉस्चर है ये, ठीक है। तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप एक लड़के हैं जिस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे लड़की हैं, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो एकदम बैलेंस और न्यूट्रल हो जाएगी। और आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छा अच्छा खाना, एक पॉजिटिव डाइट को फॉलो करना या एक्सरसाइज करना, जिमिंग करना, साइकिलिंग करना और कुछ नहीं तो या वॉक पे चले जाना, कुछ भी शुरू करोगे। और शुरू करके भाई साहब जो भी आप डिजर्व करते हो यू गाइज विल गेट। वी हैव अ कार्ड ऑफ थर्ड चक्रा, सॉरी, एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो चाहे वो मेटलिस्टिक है, चाहे फिर वो इमोशनल है, यू आर गेटिंग वट एवर यू एक्चुअली डिजर्व बिकॉज यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हैं। एडवाइस देखें तो टेक अ स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक, ईज एंड गेज, एंड वन मोर कार्ड कंपैशन। आपको पता है जो चीज़ हमें सर्व ना करे उससे पीछे हो जाना चाहिए। जो हमें ऐसा समझ में आया ना कि हमारा दिल नहीं कह रहा है तो उस चीज़ से पीछे हो जाना चाहिए। टेक अ स्टेप बैक। आपको पता है, जब भी, पता ही होगा सबको कि जब भी कोई रनर रेस कर रहा होता है तो वो बंदा एक स्टेप पीछे लेता है ताकि वो और लंबा भाग सके। बस वही बात है, ठीक है। घमंडी ना हो, नॉर्मल ले चीज़ों को, ग्राउंडेड रहें, ठीक है। फुल कंपैशन, पॉजिटिव एनर्जी के साथ समथिंग गुड इज अबाउट टू कम, ठीक है, इन योर लाइफ। चार्म्स से भी देख लेते हैं। सो चार्म्स से हमारे पास आया है द पर्ल। आपको पता है ना पर्ल को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बस वही वाली बात है। पर्ल, ये दो चाबियां और स्टार, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर एक स्ट्रांग होप आ रही है, एक स्ट्रांग पॉजिटिविटी आ रही है और आप किन्हीं चीज़ों के जो है दरवाजे खोलने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें फील करके आपको बुरा लगेगा या किसी को छोड़ के या कुछ करके आपको बुरा नहीं लगेगा। यू गाइज विल फील नॉर्मल, न्यूट्रल। आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो कुल मिला करके सेल्फ लव, पॉजिटिव, डिजर्विंग चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब वो जो सर दर्द कर देने वाली चीज़ें ना वो आपके जीवन से जा रही हैं, टाटा बाय बाय कर लें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के इनिशियल ये थे तो ये थी आपकी रीडिंग। और मुझे पता है आप लोग इस वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करने वाले हैं बिकॉज ये आप लोगों का आई डोंट थिंक सो सेकेंड भी लेगा, बट यू गाइज विल अप्रिशिएट मी अबाउट दिस। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों के कमेंट्स को रीड आउट करना, तो ज़रूर से कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला कमिंग वेलकम। और जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल।